राजकोट जिल्लामां कोरोनाना कहर वच्चे बेदरकारी सामे आवी। विंछियानी एमबी अजमेरा हाईस्कूलनी गंभीर बेदरकारी सामे आवी छे। स्कूलना बे शिक्षकों के जेमने कोरोनानो रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो होवा छतां पण स्कूल चालू छे। विंछिया अखिल भारतीय परिषदना होद्देदारोनो शाळा पर आक्षेप। शाळामां विद्यार्थी के शिक्षक पॉजिटिव आवे तो 8 दिवस शाळा बंद राखवामां आवे छे। अहींया शिक्षक पॉजिटिव आव्या बाद रजानुं कोई पण पालन नथी थतुं। शाळाना बे विद्यार्थी अने बे शिक्षक संक्रमित होवा छतां शाळा चालू राखवामां आवी। शाळामां 800 थी वधु विद्यार्थीओ अभ्यास करे छे। हाईस्कूलना संचालकोए गंभीर बेदरकारी दाखवी छे। एसोसिएट एडिटर धर्मेश वैद्य अपनी साथ जोड़ाया है। धर्मेश, राजकोट जिला में एक तरफ कोरोना नो कहर है और बीजी तरफ एमबी अजमेरा हाईस्कूल की गंभीर बेदरकारी सामने आई। शिक्षकों पॉजिटिव आया है, बे शिक्षकों छता हजू शाला शुरू। राजकोट शहर और जिला में कोरोना नो कहर है, जेने कही सकते के केस एकदम वधता जाए। त्यारे जे विछियानी जे ग्रांटेड ट्रस्टनी स्कूल है, ए स्कूल में जे बे शिक्षकों पॉजिटिव थया होवा छतां स्कूल चालू है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अग्रणी आज स्कूल आचार्य ने संचालक मंडल ने रजूआत की। महत्व की बात ये कही सकते कि कोईपण स्कूल में विद्यार्थी के शिक्षक कोरोना संक्रमित थाय तो 8 दिवस की रजा आप, परंतु आ विछियानी स्कूल चालू रहता 800 जेटला विद्यार्थी अत्यारे अभ्यास कर सवाल थाय। शिक्षण तंत्र की बेदरकारी है, संचालक मंडले शिक्षण विभाग ने जाण नत करी, पण बे कोरोना जे शिक्षक थया छे बे दिवस में पॉजिटिव थया छे, एमनो रिपोर्ट पण एबीवीपी ना जे कार्यकर्ताओ छे ने रजू। जी धर्मेश, आभार जानकारी माटे। तो राजकोट जिला में बेदरकारी सामे आवी छे। शाळा के ज्यां विद्यार्थीओ भणवा माटे आवता होय छे, एक तरफ वाली मंडल द्वारा एवी मांग करवामां आवे छे के शाळाओने ऑफलाइन करवानी मांग करवामां आवे छे, अने बीजी तरफ बे शिक्षकों पॉजिटिव आव्या छे, छतां पण ते शिक्षकों स्कूले आव्या छे, विद्यार्थीओने भणावी रह्या छे। विछियानी एमबी अजमेरा हाईस्कूलनी आ गंभीर बेदरकारी छे। बे शिक्षकों ने बे विद्यार्थीओ कोरोनाथी संक्रमित थया छे। बे शिक्षकों कोरोनाथी संक्रमित थया छतां पण स्कूल चालू छे। ए शिक्षकों शालाए आवी रह्या छे। कोरोनानुं संक्रमण फैलाशे तो जवाबदारी कोनी? शिक्षण विभागने पण कोई पण प्रकारनी रजूआत नथी करवामां आवी। फरी एक वखत एक स्कूल द्वारा आ बेदरकारी सामे आवी छे, जेनुं परिणाम गंभीर सामे आवी शके छे। विंछियानी अखिल भारतीय परिषदना होद्देदारोए शाळा पर आक्षेपो लगाव्या छे। शाळामां विद्यार्थी के शिक्षक पॉजिटिव आवे तो 8 दिवस शाळा बंध राखवामां आवे छे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ना धार्मिक राठौर अपनी साथे जोड़ाया छे। धार्मिक भाई, वीटीवी में सौप्रथम आपनु स्वागत छे, परंतु सौथी मोटो सवाल अत्यारे एटला माटे थई रह्यो छे के कोरोना काल चाली रह्यो छे, विद्यार्थीओ देशना भावि छे अने तेमनी साथे आ प्रकारना चेडा शाळा द्वारा करवामां आव्या छे, आपनी शुं प्रतिक्रिया, आपनी शुं मांग? नमस्ते मैडम, पहला तो सौप्रथम अमे पहला साहेबने रजूआत करी हती के आ रीतनुं बे साहेब शिक्षक पॉजिटिव आवा छतां तमे सा कारणोसर स्कूल चालू राखी? आ मैडम, अमारू बहु नानू अमतू गाम छे विछिया, ताजा विद्यार्थी 700 થી 800 विद्यार्थीओ एक साथे भणी रह्या छे आया, अने एमां ने जाण करता एने अमने एवुं कीधुं के अमे डीओ साहेब नी मार्गदर्शन हेठळ अमे स्कूल चालु राखी छे। अमे डायरेक्ट डीओ साहेब ने पण फोनमां वात करवामां आवी हती, तो डीओ साहेबे एवुं कीधुं के अमे कोईथी मारो छोकरो खुद भणी रह्यो छे, न्यां पॉजिटिव आवतो होय तो अमे न्यां न भणावी शकीए एम। पछी अंदर वात करीने ई लोकोए अत्यारे स्कूल बंध राखेली छे, पण आ મોટામાં મોટી બેદરકારી કહેવાય ઈ લોકોની। ઈ લોકોએ સામેથી કેસ કહી દેવા પડે કે શિક્ષકો બે પોઝિટિવ આવ્યા છે તો અમે સ્કૂલ બંધ રાખી છે એમ, અમારે બધા આવેદન આપવું પડ્યું, આ બધું કરવા પછી આ લોકોએ બંધ રાખી દીધું। એટલે અત્યારે આ એમબી અજમેરા હાઈસ્કૂલ છે તે બંધ છે? હા, અત્યારે બંધ કરાવી અમે જઈને અહીંયા આવેલું સાહેબ ને ડીઓ સાહેબ ને ફોન કર્યો નથી, ત્યાં સુધી સાહેબ એમ કહી રહ્યા હતા કે ના ના કે અમારા ડીઓ સાહેબ ના માર્ગદર્શન હેઠળ બધી વાત થઈ ગઈ છે, અને આ વાતની ડીઓ શિક્ષણ અધિકારી ને કોઈ પણ જાતની રજૂઆત કરવામાં આવેલ નથી। મારો ખુદ નો છોકરો ભણે છે તો ઈ જ્યાં ભણતો હોય ત્યાં અમે કોઈ ચાલુ રાખવા ન આવી, એટલે આવું કઈ માર્ગદર્શન કઈ અમે આવું ખોટું આપેલું નથી, આ વાત સદન ખોટી છે અને તરત એમને બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો સ્કૂલ। જી ધાર્મિક ભાઈ, આભાર અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ। જી જી।
तो शाला में 800 થી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે અને શાળાની આ બેદરકારી સામે આવી આપણી સાથે ધાર્મિકભાઈ જોડાયા હતા તેમનું કહેવું છે કે ડીઓને કોન્ફરન્સમાં રાખી અને શાળાના સંચાલકની સાથે વાતચીત કરાવી ત્યારબાદ આ હાઈસ્કૂલ બંધ થઈ છે વિદ્યાર્થીઓની સાથે આ પ્રકારની ગંભીર બેદરકારીઓ એક બાદ એક સામે આવી રહી છે શિક્ષણ વિભાગને સ્ટ્રોંગલી કોઈ કામગીરી કરવી જ પડશે।